देखिए, यह नंबर दो का ईटा है, कच्चा ईटा, कच्चा ईटा है, पैसा आधा खाया जा रहा है, हैं? ये मसाला कैसा लगाया जा रहा है, देखो आधा बह गया, अभी ये ठीक, ये फूट गया चूल्हा, इतनी जोर से रात की पानी बारिश हुई और मैंने देखा जल्दी से जाग के सोते सोते आई, फिर उनको बचाया, जब खूब भीग गए थे तो मैंने इनको अच्छे से पोछा और एकदम, ये तो सही बात है, हमारी गुजारिश है इनसे कि हमारी रोड जल्दी से जल्दी बनवाई जाए और ये रोड क्लियर हो पूरी। यहाँ की रोड देखो कितनी अच्छी है। हेलो गाइस, आज बहुत बड़ी समस्या है, हमारे घर की रोड नहीं बन रही। आज रात के 3 बजे इतनी जोर से बारिश हुई है कि देखिए ये पानी यहाँ भरा हुआ है, ये मेरी पूरी कुर्सी पिघल गई है, चूल्हा मेरा टूट गया है और यहाँ देखिए, यहाँ ये मेज में ये पानी भरा हुआ है, ये देखिए है, और वो खरगोशों के घर में भर गया है, खरगोश बेचारे रात भर जला गए हैं, ये देखिए ये पानी खरगोशों के घर में भर गया है पूरा, ये पानी है और ये मेरा चूल्हा पूरा, ये चूल्हा बर्बाद हो गया है, ये देखिए ये फूट गया चूल्हा, इतनी जोर से रात की पानी बारिश हुई और मैंने देखा जल्दी से जाग के सोते सोते आई, फिर उनको बचाया, जल्दी जल्दी पूरी मैं पूरी भीग गई, रात भर जाग गई और उनको फिर मैंने पोछ पाछ के रखा, बेचारों को खूब कपा रहे थे और रजाई वजाई उड़ाई, स्वेटर पहनाया उनको, अब मैं क्या बताऊं, बेचारे इतने कप कपा रहे थे रात में, आइए मैं दिखाती हूँ बेचारों को उनको, मैंने इनको बंद करके रख दिया, ये देखिए रात में 3 बजे मैंने बताया बारिश हुई थी, ये देखिए ये बेचारे यहाँ बंद है और खूब भीग गए थे, तो मैंने इनको अच्छे से पोछा और एकदम बेचारे पानी टपक रहा था, रात में ऐसे जला गए थे और मैं भी भीग गई, मैं इनको बचाने में लगी थी कि भीग गया बेचारे, अब लेकिन अभी सूख गए थोड़ा थोड़ा, चलो मैं धूप में रख दूंगी तुम लोगों को थोड़ी देर के लिए, फिर सही हो जाएगा। अब क्या बताओ गाइस, एक अचानक से बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई अचानक से कि पता नहीं था कि इनको मतलब बारिश होगी हमें, अब मैं क्या बताऊं, सही में इतनी टेंशन है, अब वहाँ छत में पूरा पानी भर गया है, अब जा रही हूँ उसको साफ करूंगी अभी। यहाँ की रोड देखो कितनी अच्छी है, ये देखो ये डाला है, वहाँ की पूरा गंदगी मच रही, यहाँ जा नहीं सकते हम लोग, उधर इधर आओ, इधर देखो, ये देखो ये पानी है, यहाँ से कोई जा नहीं सकता, अब उनको देखो वहाँ वो खड़े हैं, उनका द्वार भी बढ़िया गीला बढ़िया चिकना हो गया है, कि कभी मतलब निकलो तो बढ़िया आराम से निकल जा सकते हो चिकने से, और देखो जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे क्या, ये रोड है कोई, ये रोड है, है? इस तरह की रोड होती है, जहाँ भी देखा हमने कहीं मतलब गए, इतनी जगह सभी यहाँ रोड पक्की मिली है, वहाँ से लेके वहाँ तक आप लोग आएंगे देखिए कितनी रोड कच्ची मिलेगी, अब देखिए वहाँ आधी रोड बन रही है, अब बन के छोड़ी भी जा रही है, उधरी से कह रहे रोड समाप्त है, और ये बताइए ना इंसाफी है कि नहीं है, पूरी जगह से आ ही नहीं रोड रही, यहाँ कहीं कम से कम 3-7 साल होते जा रहा है हम लोगों को रहते हुए, ये रोड पक्की नहीं हो पा रही है, और यहाँ ये 3-4 साल नहीं 70-80 साल हो गए यहाँ लोगों को रहते रहते, डाला भरे डाला कौन सुखाएगा बताओ, सरकार सुखाएगी ना, सरकार नहीं, सरकार कौन सुखाए, सरकार पैसा लोगों को देती है बनाने के लिए रोड, ये लोग खाते हैं जो रोड के पैसे, वो बीच वाले पैसे खा लेते हैं, ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार, हाँ ठेकेदार अपने जेब में रखते हैं, हमारी रोड बनने के लिए नहीं आ रही है, नौबत नहीं आ रही इसकी बनने की, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारी रोड बन जाए, नालिया वाली सब एकदम बेकार, नाला बन गया है इधर साइड कि कुछ कहना को नहीं, और वहाँ आगे भी नहीं जा सकते, पूरी रोड आई टोटल कच्ची है रोड, अब बताओ हम क्या कहे इतने इनको, भाई ये इतनी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारी रोड बनवाए,
हाँ हाँ वो पूरी जगह की। चलते हैं थोड़ा सा वहाँ गाय के पास, आइए। जिसको भी नहाना तो नहा सकता है, है? ये देखिए, ये है रोड। आज तक में कभी आप लोगों ने ये रोड देखी न होगी, है? ये है तालाब, जिसको भी डुबकी लगाना लगा सकता है। ये है ये रोड, यहाँ से जाम हो रही है ये रोड, इतने में बंद हो जाएगी। हाँ अंकल जी बोल रहे हैं कुछ, क्या बोल रहे हैं? हाँ okay, तो रहे हैं। ये सब पानी कहाँ भर के रखा है आप लोगों ने? देख लीजिए बारिश हो, ये भरेगा नहीं कह रहे हैं। ये तो सही बात है, हमारी गुजारिश है इनसे कि हमारी रोड जल्दी से जल्दी बनवाई जाए और ये रोड क्लियर हो पूरी हमारे घर तक। तो अब आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं क्या कहूँ, कच्ची रोड अब बाकी उनके ऊपर है ना सब कुछ। अब मैं जाऊंगी इनके इनके खिलाफ वो करने, एफआईआर दर्ज करने। जल्दी इनके लिए एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? और देखो आओ इधर, आओ पहले आओ, ईटा दिखा दो थोड़ा सा। ईटा तो भीग चुका, वो तो रेडी दिखेगा ना। अरे रेड नहीं है, दो नंबर का ही है। ईटा तो देखिए, ये नंबर दो का ईटा है, कच्चा ईटा, कच्चा ईटा है। पैसा आधा खाया जा रहा है, हैं? ये मसाला कैसा लगाया जा रहा है? देखो आधा बह गया। अभी ये ठीक है, अभी सब मसाले कोई गलती नहीं है, गलती तो मतलब ईटे मीटे की है ना, जैसे ईटा आई टोटल ईटा कच्चा है। अभी मैं जैसे अगर ऐसे पटक दूं ना, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे सीटे के। कच्चा ईटा है, कच्चा ईटा, इस ईटे के कोई वो नहीं है। एक नंबर का ईटा सरकार पैसा दे रही उसका, और खा ये लोग रहे जेब में अपने भर रहे, घर चलाने के लिए अपने केवल ये लोग। लेकिन ऐसे मत करो पब्लिक के साथ, पब्लिक जिस दिन गुस्सा आ जाएगी ना, तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। के बारे में ये कुछ कहना चाहेंगे रोड के बारे में? हाँ रोड हमें जरूरी है, हम गिर गिर पड़ा थे। हाँ तो देखिए, हाँ ये तो सही है, कहीं लग जाए पैर वर निकल नहीं पाते हैं बरसात में, ये दिक्कत है। तो सुन जाने, और हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और हम लोग निकल नहीं पाते हैं। चलो हम लोग तो थोड़ा कांदो कीचड़ से निकले जाएंगे, आधे पैर गप जाते हैं जमीन में, और इनका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? आज स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, आज बच्चे हमारे स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि इस बारिश की वजह से पैर जहाँ से निकलना वहाँ तो दलदलिए तलिए जैसे भरा है। देखो इसको इतना भी इतना मतलब पानी भरा है कि उसको पट्टी से चढ़ के जाना पड़ रहा है। मान लो पैर वैर थोड़ा सा फिसल गया तो गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा कांधो में? रोड है नहीं तो वो पट्टी से जा रहा है। तो इस तरह हम कह रहे हैं इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। आप लोग हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है।